हे गाइस, एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है और बहुत ही काम आ सकता है आप लोगों के। एक्चुअली हुआ ये था कि आज मैंने ये एम्पलीफायर असेंबल करा, और एम्पलीफायर असेंबल करने के बाद मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप जो है अपने व्हाट्सएप पे लगाया था स्टेटस पे। तो उसके बाद कई सारे बंदों के मैसेज आए कि भाई इसकी जो ऑडियो क्लैरिटी है वो कुछ अलग है, जबकि बोर्ड आप वही यूज कर रहे हो, प्रीएम्प आप वही यूज कर रहे हो, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई सारी चीजें वही यूज कर रहे हो, लेकिन हमने भी सेम चीजें लगाई हैं, लेकिन आपके एम्पलीफायर से जो साउंड है वो कुछ अलग तरीके की आ रही है। तो इसके अंदर मतलब कोई प्रीएम्प के अंदर आपने डिफरेंस कर रखा है, या मतलब क्या फर्क है इसके अंदर ऑडियो में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसी विषय में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देख लेना, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और एक अच्छी ऑडियो निकालने के लिए एम्पलीफायर से ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, पहली चीज तो ये है कि कोई भी आप प्रीएम्प यूज कर रहे हो आप, या फिर कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड यूज कर रहे हो, या फिर एम्पलीफायर यूज कर रहे हो, वो एक उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसियों मतलब कितनी फ्रीक्वेंसियां निकाल सकता है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितने हर्ट्स से लेके कितने हर्ट्स तक की फ्रीक्वेंसियां उसके अंदर से निकल सकती हैं, या फिर कितने हर्ट्स पे वो सेट है, ठीक है, हाई से लेके मिड से लेके बेस तक, ठीक है, मतलब किस तरीके की वो फ्रीक्वेंसियां निकाल सकता है। उसके बाद ये तो हो गई एक नॉर्मल सी चीज, हर एक इंसान को पता होता है इसका, ठीक है, लेकिन एक चीज उससे भी अलग होती है जिसको हम बोलते हैं ऑडियो सिग्नेचर। ऑडियो सिग्नेचर कई टाइप के आप लोगों ने, जैसे आप इक्वलाइजर वगैरह जो यूज करते हैं अपना फोन, अगर आप लोगों ने कई बार क्या होता है कि कोई भी प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो आप बेस इंक्रीज करने के लिए, या फिर ट्रेबल इंक्रीज करने के लिए, मैंने तो बचपन में काफी सारी चीजें करी हैं, तो मैं काफी सारी एप्लीकेशन यूज करता था अपने फोन की जो बेस है उसको इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो ट्रेबल है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो वही जो इक्वलाइजर सिस्टम है वो हमारा जो ब्लूटूथ पैनल होता है उसके अंदर भी होता है, और इसके अंदर जो ऑडियो सिग्नेचर होते हैं, जैसे इसके अंदर कई सारे, जैसे हम इसको अभी मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, देखो यहाँ पे ई क्या होगा ऑप्शन है, तो ये हमारा इक्वलाइजर का ऑप्शन होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर से जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके अंदर काफी सारे जो मोड हैं वो चेंज होते हैं, जैसे क्लासिक हो गया, पॉप हो गया, जैज हो गया, तो इस तरीके से इसके अंदर काफी सारे जो ऑडियो सिग्नेचर हैं उनको हम सेट कर सकते हैं कि भाई आपको कौन सा ऑडियो सिग्नेचर अच्छा लगता है, किस तरीके की जो साउंड है आपको अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप अपने एम्पलीफायर की जो साउंड है वो अलग अलग करके देख सकते हो। सपोज करो आपके पास कोई भी एम्पलीफायर है, आपको उसके अंदर वो बेस नहीं मिल रही है, या फिर वो ट्रेबल नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, तो आप यहां से जो ऑडियो सिग्नेचर है उसको चेंज कर सकते हो, आपको अलग अलग तरीके की साउंड इसके अंदर से देखने को मिलेगी। और यही रीजन था कि जो मैंने स्टेटस लगाया था उसके अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्लियर साउंड आप लोगों को देखने को मिल रही थी, और बेस भी काफी डीप उसके अंदर से आ रहा था, क्योंकि मैंने इसको पॉप पे सेट कर रखा था, ठीक है, जो ऑडियो सिग्नेचर होता है पॉप, तो उस पे मैंने इसको सेट कर रखा था। और ये अभी मैं आप लोगों को टेस्ट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो साउंड है उसका डिफरेंस आता है। तो चलो इसको मैं एम्पलीफायर को ऑन करता हूं, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके का डिफरेंस आएगा साउंड में। तो यहां पे एम्पलीफायर अपना ऑन हो चुका है, ठीक है, तो अभी इसके साथ में ब्लूटूथ कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बीटी पे है, तो मैं यहाँ पे इसके इक्वलाइजर है उनको चेंज करूंगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पॉप हो गया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा नहीं आया, उसके बाद जैज हो गया, उसके बाद क्लासिक हो गया, उसके बाद फिर ये मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा साहब, उसके बाद फिर से पॉप हो गया। तो इस तरीके से आप ऑडियो सिग्नेचर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम साउंड का डिफरेंस देखेंगे कौन से ऑडियो सिग्नेचर पे कैसे साउंड आती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एनसीएस का म्यूजिक प्ले कर दिया है, तो साउंड में डिफरेंस देखना अभी कैसे आएगा। ये बिल्कुल मैंने नॉर्मल जो साउंड होती है एक एम्पलीफायर की उसमें प्ले कर रखा है, ठीक है, तो ये इस तरीके की साउंड है। और मैं अभी सारे चेंज कर करके दिखाऊंगा, तो लाइव आप देखते रहना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया
तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने साउंड में डिफरेंस देखा, तो मैं मोस्टली इसको पॉप पे करके चलाता हूँ और काफ़ी अच्छी ऑडियो लगती है मेरे को। पॉप पे करके सुनता हूँ मैं ज़्यादातर और काफ़ी मज़ा भी आता है। और ये एक नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग था, तो इसमें ज़्यादा साउंड का डिफरेंस नहीं लगा होगा, पता चला है नहीं पता चला है, वो एक बार आप वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने जो अपना शॉर्ट वीडियो होती है उस पर कॉपीराइटेड सॉन्ग पे अपना लगा रखा है, आप वो चेक कर लेना, उसमें प्रॉपर आप लोगों को साउंड का पता चल जाएगा कि किस तरीके की साउंड है एम्पलीफायर की।